हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस की परेशानी बढ़ी। दो दिग्गज नेताओं ने क्यों दिया इस्तीफा। हरियाणा में एक बार फिर सियासी माहौल हुआ गर्म। हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 में से 5 सीटें अपने खाते में करी, वहीं कांग्रेस ने भी आधी सीट जीतकर अपना दबदबा बनाया। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कल यानी कि मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू हैं और आज यानी कि बुधवार को किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी में शामिल होते ही किरण चौधरी का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, ये फैसला मैंने हमारे नेतृत्व और हमारे पीएम जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प रखा उनसे प्रेरित होकर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उसी के कारण दिल्ली में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के, उसमें उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। तो वहीं श्रुति चौधरी ने कहा, ये बहुत गर्व की बात है कि मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी ने चौधरी बंसीलाल के साथ काम किया है। हम बीजेपी में जुड़ रहे हैं ताकि हम देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। मैं अपने नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, तरुण चुग का इस मौके के लिए धन्यवाद करती हूं। जिसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया। वहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने अपने इस्तीफे में साफ कहा है कि कुछ लोग पार्टी की प्रदेश इकाई को निजी जागीर के रूप में चला रहे हैं। माना जा रहा है कि किरण चौधरी लोकसभा चुनाव के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रही थी और साथ ही वह पार्टी के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से भी खुश नहीं थी। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 10 में से वो 5 सीटों पर अपनी दबदबा बनाने में कायम है।